नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल की आंसर शीट जारी होना प्रारंभ हो गई है। 11 तारीख को भी और 12 को भी यहां पर आंसर शीट जारी किया गया। जो 23 तारीख को एग्जाम दिए थे वो 11 तारीख को आंसर शीट जारी हुआ, और जो 24 तारीख को एग्जाम दिए थे उनका 12 तारीख आंसर शीट जारी किया गया, और जो 25 तारीख को एग्जाम दिए हैं वो आज आंसर शीट उनका जारी होगा दोस्तों, और जो 30-31 तारीख को जो एग्ज़ाम दिए थे कल परसों उनका भी जारी हो जाएगा दोस्तों। अभी तक बता दें आप सभी को, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपना आंसर शीट नहीं देख पाए हैं क्योंकि उनके पास बुकलेट संख्या नहीं है, और दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है उनके पास रोल नंबर नहीं है, उनका एडमिट कार्ड खो गया है। और यहाँ पर दोस्तों बता दें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सारी चीज़ें फिल करने के बाद भी उनका आंसर शीट नहीं खुल रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दों पर सॉल्यूशन पर बात करेंगे जो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आंसर शीट नहीं देख पाए हैं, जो 11 तारीख से लेकर अब तक जारी हुआ है, जो आज 12 बजे के बाद भी आंसर शीट 25 तारीख वाले स्टूडेंट का जारी होगा जो 25 तारीख को एग्ज़ाम दिए थे। तो सारी बातें करेंगे इस वीडियो में, सारे सॉल्यूशन पर बात करेंगे। जो स्टूडेंट के पास बुकलेट संख्या नहीं है वो भी अपना किस प्रकार से आंसर शीट देखेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस समय हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं। यहाँ से आप अपना बुकलेट बिना बुकलेट के कैसे चेक करेंगे, और जिनका भी बुकलेट संख्या भी है और उनका एडमिट कार्ड भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो भी अपना नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप इस प्रकार से देखेंगे तो देख पाएंगे। यदि आपका रजिस्ट्रेशन संख्या खो चुका है, आपके पास कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन संख्या निकालने के लिए नीचे रेड कलर पर रजिस्ट्रेशन पंजीकरण पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आधार संख्या, मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन के वक्त दिए थे वही मोबाइल नंबर आप सभी को फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, डे मंथ और ईयर में सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्राप्त करने पर यहाँ हरे रंग पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप सभी के मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई होगा, उसके बाद आप सभी के सामने आपका रजिस्ट्रेशन खुलकर सामने आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त करेंगे। आपको यहाँ पर लाइव एक दिखाने वाले हैं रजिस्ट्रेशन संख्या है, लेकिन उनका जो है दोस्तों नहीं बता रहा है। उनका बुकलेट संख्या भी है, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी उनका नहीं शो हो रहा है। तो यहाँ पर आप सभी को किस प्रकार से चेक करना है यहाँ पर जानकारी देंगे। वीडियो पर आप बने रहिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिए हैं, सारी चीजें फिल कर लिए हैं। यहाँ पर जैसे लॉग इन कर रहे हैं, लॉग इन भी हो जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं सारी डिटेल खुल चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पर आप सभी को क्लिक करना है, जितने भी विद्यार्थी आंसर की देखना चाहते हैं। और यहाँ पर आप सभी जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा इंटरफेस खुलेगा। जिनके पास बुकलेट संख्या है वो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको पंजीकरण संख्या भरी हुई मिल जाएगी, जन्मतिथि आपका फिलअप मिलेगा। यहाँ पर आप सभी को जो है बुकलेट संख्या डालना है। बुकलेट संख्या दोस्तों कहाँ दिए रहता है, जब आप पेपर देने गए होंगे तो आप सभी को पेपर मिला होगा, वहाँ पर एक बार कोड होगा और वहाँ पर उत्तर पुस्तिका क्रमांक लिखा होगा। जस्ट उसी के नीचे बार कोड के सामने आप सभी को 8 अंकों का ये कोड मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे आप फिल करेंगे, आपके सामने दोस्तों 2 बार ये फिल करना होता है, 2 बार वेरीफाई करना होता है। तो इसको 2 बार यहाँ पर फिल करेंगे तभी आपके सामने आपका जो आंसर शीट है वो खुल के सामने आएगा। तो अभी तक जितने भी विद्यार्थी नहीं चेक कर पाए हैं वो इसी प्रकार से चेक करेंगे तो 100% चेक कर पाएंगे। नीचे यहाँ पर आप सभी को कैप्चा दिया गया है, कैप्चा जिस प्रकार से है उसी प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में हो उसी प्रकार से यहाँ पर फिल करेंगे, तभी आप सभी का आंसर शीट देख पाएंगे, आगे लॉगिन कर पाएंगे।
इस समय लॉगिन हो गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए ऐसा व्यू आ रहा है, यानी कि इनका नहीं दिखा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारा खुल नहीं रहा है। तो यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं मेक ऑब्जेक्शन, जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने आपका यहाँ पर ऑब्जेक्शन जो आंसर शीट है वो यहाँ पर दोस्तों जारी हो जाएगा। देख पाएंगे आप सभी यहाँ पर अपना आंसर शीट। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं यहीं से, जो भी उत्तर आपको गलत लगता है कि इसमें गलत दिया गया है, हमारा ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पर आप सारे दस्तावेज अपलोड करने होंगे और जो भी क्वेश्चन है उसका भी स्क्रीनशॉट करके अपलोड करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से अपना देख लेंगे। और जो विद्यार्थी जिनके पास बुकलेट संख्या नहीं है वो किस प्रकार से देखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर बुकलेट संख्या भरेंगे तभी आप आंसर शीट देख पाएंगे, अन्यथा बिना बुकलेट के आप नहीं देख पाएंगे आंसर शीट। जब आप सभी का रिजल्ट आएगा तो फाइनली आप रिजल्ट देख सकते हैं लेकिन आंसर शीट नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना जो है आंसर शीट देख सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि अभी भी कोई त्रुटि हो रही है आपसे तो कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।